तो बात करूं मामला लीगल एसेरेज की, तो काफी समय बाद मैं इतना हंसा हूँ, इतना अच्छा मुझे हीलो आए। और सच में कुछ वक्त से जो मूवीज और सीरीज का काम होता था कि भाई देखकर रिलैक्स हो जाओ, लेकिन कुछ मूवीज ऐसे बनती थी गणपत ले लो, रिलैक्स तो छोड़ दो भाई टॉर्चर था। तो ये सीरीज देख कर मैं इतना बढ़िया लगा, एकदम रिलैक्स, कैसे सीरीज निकल गई पता भी नहीं चला। एक बहुत बढ़िया कॉमेडी कोर ड्रामा जिसमे रवि किशन जी बहुत बड़े वकील बने, इलेक्शन के लिए खड़े, इसके लिए वो कैसे नेटवर्किंग करते, क्या पेत्र आजमत, एक अमीर घर की लड़की जो हार्वर्ड से पढ़ के आई है और जॉब इंटर्नशिप या फिर अपना पहला काम ढूंढ रही है, तो कई बार उसका पहला केस मिलते मिलते रुक जाता है। इसमें AIB के निधि बिष्ट भी है जिनके अपने सपने और सबकी कहानी एक दूसरे से जुड़ी है। मुझे लगा था रवि किशन जी के ऊपर ही सारी सीरीज होगी, ऐसा नहीं है, 4 से 5 लोगों के ऊपर ये पूरी सीरीज है और उन 4-5 की कहानी है और हर एक कहानी को अच्छे से समय दिया जाता है। और ऐसी सीरीज मैंने देखी थी पंचायत, पंचायत 2 या फिर जाकिर खान के चाचा भी देखे हमारे। इन सीरीज का कुछ अलग ही मैजिक होता है जो मुझे नहीं समझ आता कि कैसे एक्सप्रेस करूं, लेकिन जब इससे जुड़े हुए कहानियां और उसमें आर्ट के नाम पर सोशल इश्यूज या फिर ये गरीबी ये सब दिखाया जाता है, उसके बजाय उम्मीद दिखाना या फिर जो हम रोज देखते हैं वो और बढ़िया तरीके से दिखाना, ओवरऑल एक ब्रिलियंटली स्मार्ट राइटिंग होती है, एक स्मार्ट कॉमेडी इस तरह लिखी जाती है। और इस तरह अगर मैं कहूँ कैरेक्टर क्रिएट किए जाते हैं, जैसे हम कुछ लोग देखते हैं जो हमें एंटरटेनमेंट करते हैं, लोगों ने नमूने ने कुछ भी खेलो लेकिन वो एंटरटेनमेंट करते, ऐसे कुछ कैरेक्टर हमें इस सीरीज में देखने को मिलते हैं। और उसके लिए कास्टिंग भी परफेक्ट होती है, वो फिर चाहे पंचायत का विनोद ले लो या फिर अभी मामला लीगल है में एक इंसान लंगूर बनाए, इतनी ब्रिलियंट कास्टिंग कहूंगा मैं। और लास्टली मैं यार तारीफ करूंगा रवि किशन जी की, मलयालम में अभी सभी मम्मूटी की तारीफ कर रहे हैं जो मलयालम के सुपरस्टार है 70 एज के, कहां भी वो काफी एक्सपेरिमेंटल मूवीज करते, ब्रह्मयुगम ये सब ले लो, हर एक जॉनर वो एक्सप्लोर कर रहे। तो उसी तरह रवि किशन जी की भी तारीफ करना चाहूंगा। ज्यादातर लोग उनको पॉलिटिशियन के तौर पर जानते हैं या फिर जो मीम फेमस हुआ था मेरा डोला नहीं आया उसकी वजह से जानते हैं, लेकिन रवि किशन मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है और अंडररेटेड भी है सच में। आप लग का उनका विलन का परफॉर्मेंस देख लो, खाकी में डॉन की भूमिका देख लो, मुक्काबाज में वो कोच बने, उनकी डायलॉग डिलीवरी देख लो, मतलब जो डायलॉग डिलीवरी उनकी कमांड है अपने लैंग्वेज के ऊपर कोई भी लैंग्वेज हो, मतलब मैं कहूंगा उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने बॉलीवुड में भी जो चाहे वो रोल में ले ली, न तो उनका टैलेंट ट्विस्ट हो जाता भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो मैं कहूंगा सच में यार रवि किशन जी का काम बोल रहा है आजकल, मतलब लापता लेडीज भी देखोगे तो उन्होंने मूवी उठा के रखी वो पूरी अपने परफॉर्मेंस के ऊपर। तुम किसी भी आइडियोलॉजी से हो, लेफ्ट हो या फिर राइट हो, रवि किशन और प्रकाश राज तुम लोगों को मानना पड़ेगा, सच में भाई इन जैसा टैलेंट किसी में नहीं, प्रकाश राज जैसा विलन कोई नहीं कर सकता और रवि किशन जैसा वर्सेटाइल एक्टर जिनको लिटरली अप्रिशिएट भी किया नहीं जाता परफॉर्मेंस के लिए उनके, फिर भी वो कितने बढ़िया बढ़िया रोल चुनते रहते हैं। आप लोग किधर रेसर का विलन भी ले लो, आपको साउथ के जो काफी विलन है उनसे डिफरेंटली देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज में उनको थोड़ा सीरियस वे दिखाया है, थोड़ा मास्टरमाइंड टाइप, कॉमेडी नहीं करवाई गई उनसे, बस एक होगा पंचायत को जो रिकॉग्नाइजेशन मिला वही सीरीज को भी मिलना चाहिए, बहुत अच्छी सीरीज है, जाकर देख लो।